हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सिंदरों गुरुद्वारे के सामने कांग्रेस नेता व किसानों ने किया चक्का जाम। देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर महिलाओं व किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। उपखंड के सिंदरों गुरुद्वारे के पास में शनिवार को पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के नेतृत्व में केंद्र सरकार के किसान विरोधी तीन कृषि कानून को लेकर चक्का जाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ पर जिला परिषद सदस्य हरिशंकर मेवाड़ा, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष सुमेर सिंह आकदरा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह मेड़तिया के सानिध्य में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता व किसानों ने चक्का जाम कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर गुरुद्वारे के पास में करीबन 3 से 4 घंटे तक सभा चली। सभा में सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेस कार्यकर्ता व नेताओं ने संबोधित किया। वो केंद्र सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए किसान विरोधी नीतियों को वापस लेने के लिए पुरजोर मांग की। तत्पश्चात पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ भी पहुंचे, जिन्होंने सभा को संबोधित करते हुए किसान विरोधी नीतियों के बारे में केंद्र सरकार पर वार करते हुए नेशनल हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया और नेशनल हाईवे जाम किया गया, जहां पर सुमेरपुर वृत्ताधिकारी रजत विशोई के नेतृत्व में सुमेरपुर सांडेराव तख्तगढ़ बाली का पुलिस जापना मौजूद रहा। महिलाओं ने भी हाय हाय के लगाए नारे। चक्का जाम कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भाग लिया, जहां पर देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन करने के बाद उस पुतले को महिलाओं द्वारा लाठियों से पीटते हुए विरोध करती नजर आई। महिलाओं ने केंद्र सरकार के विरोधी मंगल गीत का भी गुणगान किया। जो किसान विरोधी बिल बनाए गए हैं उसको लेकर भारी आक्रोश था। उस आक्रोश को लेकर पहले हमने जनसभा करी, भारी आसपास के क्षेत्र से कम से कम हजारों की संख्या में किसान आए। उन किसानों ने सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक इस आयोजन करना और सांकेतिक रूप से कांग्रेस पार्टी और किसानों ने मिलकर इस धरने का आयोजन किया और सफलतापूर्वक हमने धरना दिया और आगे जाम किया, इसमें सफल। ये मोदी जी किसानों के लिए क्यों पीछे पड़े हुए? आगे तो तीन कानून काला ला के पीछे पड़ गए और अबे किसानों के पीछे पड़े हुए हैं। जो पानी बिजली बंद कर दिया, किसान बहुत मजबूत है, किसान खुद की कमाई की खुद खाते हैं, इसलिए मोदी जी कुछ भी कर लें पर तीनों कानून काला कानून वापस लेना पड़ेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। जागरूक टीवी के लिए सुमेरपुर से तरुण रावल की रिपोर्ट।